Good morning, students. We were doing exercise 14.1 of chapter 14, that is factorization, and we have completed question 1. So let us do question number 2 today. We have to factorize the given expressions. So this is a binomial. We have to see what can be taken common from the two terms. Now, since 7 is a factor of 42, so it means 7 can be taken from both the terms, and no variable can be taken common because in the second term we have no variable. So after taking 7 common, we are left with x, and from here 42 divided by 7 is 6, so it becomes 7 into x minus 6. In the second next part, since 4 is a factor of 16 and 20 both, और यहाँ z एक बार आ रहा है, यहाँ तीन बार आ रहा है, z क्यूब है, तो एक बार हम कॉमन ले सकते हैं z, और एक 4 कॉमन ले सकते हैं. तो 4z कॉमन लेने के बाद यहाँ 16 को 4 से डिवाइड किया, तो -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -4 बचेगा, z हम बाहर ले कॉमन ले चुके हैं. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, सो इट बिकम्स 5, और z क्यूब में से एक z कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से z स्क्वायर बच गया. नेक्स्ट पार्ट, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर है, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 5 15 का फैक्टर है. यहाँ x दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ वन टाइम रिपीट हो रहा है, तो वन टाइम इट कैन बी टेकन कॉमन. इसी तरह से y यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो एक बार y को आप कॉमन ले सकते हैं. सो 5xy कैन बी टेकन कॉमन. आफ्टर टेकिंग 5xy कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 1x फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, एंड फ्रॉम हेयर 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 आया, x कॉमन ले चुके हैं, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया है, तो y बचा. सो 5xy इंटू एक्स माइनस 3y होगा. नेक्स्ट इज 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर है. तो 5 सबका फैक्टर है, यहाँ सबके कोफिशेंट्स का फैक्टर है, तो 5 कैन बी टेकन कॉमन. और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि तीनों टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. सो आफ्टर टेकिंग 5 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद हेयर 2, क्योंकि 10 बाय 5 2 हो गया ए स्क्वायर, 15 बाय 5 3 हो गया, सो इट इज़ माइनस 3 बी स्क्वायर, एंड 20 को 5 कॉमन ले लिया आपने, तो 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया, या ये कह सकते हैं 5 4 से 20 होता है, तो 4 सी स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो हमें देख रहे हैं यहाँ चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दो दो टर्म की अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो कॉमन लिया जा सकता है. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, और लास्ट टू टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है. सो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ एक x बचा और यहाँ y, लास्ट टू टर्म्स में से 8 कॉमन लेने के बाद विद इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद x प्लस y. अब हम देख रहे हैं दो टर्म्स बन गई हमारे एक्सप्रेशन की, और इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो अब हम इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास x बच गया और सेकेंड टर्म से 8 बचा, सो द फैक्टर्स विल बी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8. नेक्स्ट पार्ट, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 3 दोनों का फैक्टर है, और एक x कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि x दोनों में आ रहा है, लेकिन y फर्स्ट टर्म में, सेकंड में नहीं, तो y को कॉमन नहीं ले सकते हैं. सो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास ब्रैकेट में 5y बचेगा, क्योंकि 5 3 जा 15 एक्स वाई बन गया, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, सो माइनस 2 सेकेंड टर्म हुई ब्रैकेट में. लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो हम लास्ट टू टर्म को एक ब्रैकेट में रख देंगे. अब हमारे इन दोनों टर्म्स में से 5y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सो 5y माइनस 2 कैन बी टेकन कॉमन. फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू आर लेफ्ट विद 3x, एंड फ्रॉम द लास्ट टर्म यू आर लेफ्ट विद 1 ओनली, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट इज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को अगर एक साथ लिख लें, फर्स्ट और फोर्थ को, और सेकंड थर्ड को एक साथ लिख लें, तो
फाइव दोनों का फैक्टर है 15 का और 25 का, और पी भी कॉमन आ रहा है, तो 5p कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3q, क्योंकि 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया और 1 q बचा हमारा। इसी तरह से 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 5 बचा और पी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और क्यू, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब हमारी इन दोनों टर्म्स में से 3q प्लस 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से बचा 5p और यहाँ से 3 ब्रैकेट में आएगा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट, जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, तो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और जेड माइनस 7 को अलग। इन दोनों टर्म्स में से xy कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस xy बल्कि कॉमन ले आप, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा जेड माइनस 7। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस 7 था, तो इसको भी हमें जेड माइनस 7 बनाने के लिए माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से जेड माइनस 7 कॉमन आ गया और आपके पास ब्रैकेट में क्या बच गया, माइनस xy प्लस 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।